रूपबास क्षेत्र के गांव नुहरदा में एक व्यक्ति की सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने को लेकर परिजन व भाजपा गांव में रितु बनावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मृतक के परिजनों और सरकारी नौकरी व 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग कर रहे हैं। मृतक नंगू की अज्ञात ने नृशंस रूप से हत्या कुल्हाड़ी से वार कर दी। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड व FSL की टीम पहुंची। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF राजेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। नृशंस हत्या की घटना से क्षेत्र के परिजन समाज में रोष की लहर है। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की कितनी दर्दनाक घटना हमारे इस रूपा क्षेत्र में हुई कि हमारे नंगू वाल्मीकि का रात को अपने घर में सोते हुए कुल्हाड़ी से वार कर या जिस भी धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या अपने घर में ही कर दी गई। कैसी निर्मम हत्या, कैसा अक्षम्य अपराध उन अपराधियों ने किया। और हमारी सरकार और हमारी पुलिस केवल परिजनों पर दबाव बनाने का काम कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। रोज हर कोई एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब कोई घटना नहीं हो रही हो। परसों भरतपुर में दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में कुलदीप जगीरा को मारा गया। नादोती में कल दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और आज हमारे इस रूपा क्षेत्र में जो सामाजिक सौहार्द का बड़ा केंद्र है, यहाँ पर सब समाज मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के भाई की हत्या किया जाना बहुत ही अक्षम्य अपराध है। हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जब तक दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सब जनता यही बैठी है, सब जनता प्रशासन से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बात करनी है आपको यहीं पर आकर कीजिए, अन्यथा आप भी देखेंगे कि रूपास में क्या तांडव मचता है। आपको ये जनता बख्शने वाली नहीं है।